जय हिंद प्यारे साथियों, आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं एक और शानदार भर्ती में। जी हां, बता दूं आप लोगों के लिए एक और गवर्नमेंट की तरफ से शानदार सरकारी भर्ती निकाली गई है। और यह वैकेंसी किसके तरफ से निकाली गई है तो देखिए, परमाणु ऊर्जा विभाग डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी की तरफ से नाभिकीय ईंधन सम्मिश्र न्यूक्लियर फ्यूल कॉम्प्लेक्स हैदराबाद की तरफ से यह वैकेंसी निकाली गई है। अगर साथियों आप लोगों ने आईटीआई कर रखा है तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है यह वैकेंसी। तो देखिए कौन कौन सी पोस्ट के लिए निकाला है, कितनी सैलरी है और आगे किस प्रकार से आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो, पूरी जानकारी वीडियो में मिलने वाली है। अंतिम तक बने रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि आने वाली इसी प्रकार की शानदार गवर्नमेंट जॉब संबंधित लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिले। तो देखिए गाइस, यह हैदराबाद की तरफ से वैकेंसी निकाली गई है न्यूक्लियर फ्यूल कॉम्प्लेक्स की तरफ से। अब देखिए बिल्कुल ऑफिशियल यहाँ पे नोटिफिकेशन है और ये रहा आप लोगों का एडवर्टाइजमेंट नंबर। अब देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे वैकेंसी किसके लिए निकाला गया है। तो देखिए, वर्ष 2023-24 के लिए आईटीआई ट्रेड अप्रेंटिसों की नियुक्ति हेतु निकाली गई है। जी हाँ बिल्कुल, यहाँ पे इनके द्वारा इन्वाइट किया गया है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले इम्पोर्टेंट, ये जो अप्रेंटिस रहने वाली आप लोगों की, ये ट्रेनिंग आप लोगों का 1 साल का होगा। देन देखिए यहाँ पे आप लोगों के लिए एक बेनिफिट मिलता है, अगर आप अप्रेंटिस कर लेते हो उसके बाद कोई भी गवर्नमेंट जो जॉब निकलती है उसमें आप लोगों को इसका काफ़ी सारा बेनिफिट मिलता है, अलग से बोनस मार्क भी दिया जाता है। ओके, देखिए यहाँ पे सबसे पहले बात कर लेता हूँ फीटर ट्रेड वाले के लिए, तो इनके लिए 42 पोस्ट रखा है इन्होंने। और टर्नर ट्रेड की बात कर लेते हैं, 32 पोस्ट है यहाँ पे। देखिए लेबोरेटरी असिस्टेंट यानी केमिकल प्लांट की 6 पोस्ट है, इलेक्ट्रीशियन वालों के लिए 15 है, मशीनिस्ट के लिए 15 और मशीनिस्ट ग्राइंडर वाला जो है उसके लिए 8 पोस्ट है। ओके, अटेंडेंट ऑपरेटर के लिए निकाला गया है केमिकल प्लांट 15 पोस्ट। आगे बढ़ते देखिए पोस्ट आप लोगों की पूरी डिटेल दे देता हूँ मैं जानकारी। आगे आप लोगों का एक सीपीओ के ट्रेड आता है, उसमें 14 पोस्ट है। आईएम इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक की 7 पोस्ट है, मोटर मैकेनिक की 3 पोस्ट है, स्टेनोग्राफर इंग्लिश की 2 पोस्ट है, कोपा वालों के लिए 16 पोस्ट है, वेल्डर वालों के लिए 16 है, मैकेनिकल डीजल के लिए 4। आगे देखिए बड़े कारपेंटर के लिए 6 पोस्ट है और प्लम्बर के लिए आप लोगों की 6। इस प्रकार टोटल 206 पोस्ट के लिए आप लोगों की यह वैकेंसी निकाली गई है। अब गाइस देखिए यहाँ पे सैलरी क्या रहने वाली है। तो देखिए यहाँ पे सैलरी की बात कर लेते हैं, जितने भी आप लोगों के आईटीआई के 2 साल के ट्रेड होते हैं उनकी सैलरी यहाँ पे 8,050 रुपये पर मंथ यहाँ पे आप लोगों को वेतन दिया जाएगा। जी हाँ, और देखिए यहाँ पे 1 साल तक आप लोगों को यह सैलरी मिलेगी बिल्कुल, और जिनका 1 साल का ट्रेड है उनको 7,700 रुपये पर मंथ दिया जाएगा। जी हाँ, अभी देखिए यहाँ पे यह जो अप्रेंटिस है वो करने का बेनिफिट आप लोगों को मैं बता चुका हूँ, तो अप्रेंटिस आप जरूर कर लीजिएगा, इसका बेनिफिट आप लोगों को गवर्नमेंट जॉब जितनी भी निकलती है उनमें ज़्यादा मिलने वाला है। योग्यता क्वालिफिकेशन क्या रहने वाला है, तो जिस भी ट्रेड से आप लोगों ने आईटीआई कर रखा है उसका आप लोगों के पास एनसीबीटी या एससीबीटी का सर्टिफिकेट होना चाहिए और 10th आप लोगों को पास आउट होना चाहिए। तो इतनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन आप लोगों को मिलने वाली है, यानी इतनी लगने वाली है। देखिए गाइस, अब आगे बात कर लेते हैं हम इसकी जो इम्पोर्टेंट डेट है क्या रहने वाली है, फॉर्म को कैसे अप्लाई कर सकते हो। तो देखिए फॉर्म को अप्लाई करने के लिए आप लोगों को क्या करना होगा, आप लोगों को NAPS पोर्टल, ओके, मतलब आप लोगों को इस पर आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, ठीक है। चलिए उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हो, आप किसी भी ऑनलाइन कैफे से जाके फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। और देखिए यहाँ पे और इम्पोर्टेंट, आवेदन की अंतिम तिथि क्या रहने वाली, तो 30 तारीख आप लोगों की लास्ट डेट रहने वाली इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। तो आप 30 तारीख के पहले इस फॉर्म को अप्लाई कर लीजिएगा, क्योंकि बाद में आप लोगों का जो है लास्ट में फॉर्म अप्लाई करते हो तो वेबसाइट प्रॉब्लम ज़्यादा करती है। अब बात कर लेते हैं चयन प्रक्रिया क्या रहने वाली, मतलब सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला। तो गाइस देखिए सिलेक्शन प्रोसेस आप लोगों का जो है आईटीआई के परसेंटेज पे डिपेंड करेगा, मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी और आप लोगों को ईमेल के माध्यम से बिल्कुल यहाँ पे सूचित कर दिया जाएगा कि आपका सिलेक्शन हो गया है। तो ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर यहाँ पे आप लोग सही सही डालने की कोशिश करें, ताकि आप लोगों को पता चले कि नोटिफिकेशन आ गया है। ओके, और ज़रूरी जानकारी आप लोगों को समय से पहले मिल जाए। तो गाइस
यह वीडियो कैसा लगा कमेंट्स करके मुझे बताएं, और इसी प्रकार के शानदार गवर्नमेंट जॉब संबंधित लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मन में कोई डाउट हो तो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके पूछ सकते हो। थैंक यू साथियों।